मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के प्रणेता, महान चिंतक, विचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। उनकी दृष्टि व विजन के कारण गांव, गरीब, किसान व महिलाएं राजनीतिक दलों के एजेंडे के हिस्से बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 60 से 70 वर्ष पहले विचारों के माध्यम से भारतीय राजनीति को जो जीवन दृष्टि दी, उसका चिंतन मनन आज भी न केवल भारतीय लोकतंत्र बल्कि राजनीतिक दलों द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदस्यता अभियान के तहत 5 लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया। लखनऊ महानगर ने अब तक 2,52,494 सदस्य बनाए हैं। अंत्योदय के प्रणेता, महान चिंतक, विचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 52वीं जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार की वरिष्ठ मंत्री जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, मोहसिन नड्डा जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज गोरा जी, महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, इस बोर्ड के अध्यक्ष श्री मनीष जी, पार्षद सुशील तिवारी जी, सरदार परविंदर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम अंत्योदय के प्रणेता, जिनकी दृष्टि और जिनके विजन के कारण गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यह विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक एजेंडे के हिस्से बने, ऐसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।